अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो आप लोग देखिए तो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने स्टार्टिंग में देख ही चुके हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, अगर भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली तरीके से पहुंच सके। और आप यहां पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आप लोगों को रिमेंबर करा देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी यहां पे थीम देखने को मिलने वाले वो यहां पे आपको थर्ड पार्टी बोल सकते हो या आपको उनका MTZ फाइल देखने को मिलेगा। आपके थीम स्टोर पे अवेलेबल कोई सा भी थीम नहीं है, तो जिसको वीडियो देखनी है यहीं तक देख लो, जिसको नहीं देखनी अब यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि सारे के सारे जो थीम है वो आपको MTZ फाइल में ही देखने को मिलेंगे, वो देख लेना, वरना मैंने एक वीडियो बना रखी है तो उसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग। फर्स्ट वाला थीम आप लोग देख सकते हो आईफोन से इंस्पायर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इसका क्लोक विजिट एंड अदर जो बैकग्राउंड वॉल पेपर है वो भी एक प्रोफेशनल सा लुक देता है आपको अगर यहाँ पे यूज करोगे। और यहाँ पे देख सकते हो इसका कंट्रोल सेंटर का जो कलर है वो एकदम परफेक्ट एंड यहाँ पे यूनिक सा लुक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इसका ब्यूटीफुल सा लुक देखोगे अबाउट ये सेटिंग सिस्टम UI का, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एकदम नेक्स्ट लेवल आपके फोन को यहाँ पे लुकिंग देगा एंड अपर साइड का जो वॉलपेपर है वो आपको एक यूनिक से लुकेशन देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर अबाउट फोन खोलोगे तो भी सारा का सारा टेक्सचर व्यू एंड अमेजिंग से लुकेशन पूरा का पूरा थीम आपको यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम एक्सपेंसिव एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल सा लुक देता है। iOS इंस्पायर देखने को मिल जाएगा। ये थीम आपको यहाँ पे लाइट मोड सपोर्ट करता है, डार्क मोड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे यूज करना है तो आप इसको लाइट मोड में यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो डायलर व्यू भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जो कि MIUI के डायलर को यहाँ पे चेंज करेगा और एक अमेजिंग एंड फैंटेस्टिक सा लुक आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है, जो कि इस थीम को यहाँ पे डाउनलोड करके आप अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो। इस वाले थीम के लिए जाना होगा तो इस वाले थीम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, थीम 1 करके लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसी तरीके से MTZ फाइल का वहां पे लिंक मिल जाएगा एंड आप अपने फोन में इसको अप्लाई कर सकते हो अगर अच्छा लगता है तो। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो थीम नंबर 2 आपको जिस तरीके से लुकिंग ऐसे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये वाला थीम जो आपको यहाँ पे डार्क मोड में देखने को मिलता है, तो आप इसको यहाँ पे डार्क मोड में शिफ्ट कर लीजिए तब जाके इसको यहाँ पे यूज कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला थीम आपने लोगों ने यहाँ पे यूज किया होगा Miui 11 करके, जो Miui थीम था उसी का सिंपल यहाँ पे बेस्ट है ये वाला थीम, सेम आइकन एंड सेटिंग जो भी है भाई उसी की तरह यहाँ पे चेंज हो जाता है, देख सकते हो आप लोग पूरा टेक्सचर व्यू एंड आइकन एंड टॉगल सब कुछ उसी की तरह देखने को मिल जाता है। लेकिन इस थीम में आपको यहाँ पे चेंज होती हुई दिखेगी इसकी लॉक स्क्रीन, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके का, आपको इसमें एक एनिमेटेड यहाँ पे क्लॉक देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट का टैप देखने को मिलेगा, जैसे आप उस पर टैप करोगे तो इस तरीके का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट लुकिंग आती है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर ये वाली लॉक स्क्रीन आपको अच्छी नहीं लगती तो आप स्वाइप लेफ्ट करके इस तरीके से आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन चूज कर सकते हो, इसमें भी आपको एक एनिमेशन देखेगा जो कि आप स्टार्टिंग में देख चुके हो, आपको ओपन करना होगा री ओपन अपनी लॉक स्क्रीन जब जाकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फिंगरप्रिंट का एनिमेशन सेम ही रहेगा। 3 तरीके की लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो ये वाले एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट भी सेम ही रहता है एंड यहाँ पे जो कि एक और लास्ट लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी ये वाली, जो कि यहाँ पे क्लासिक वाली देखने को मिल जाती है, इसको इजी तरीके से आप अपने फोन को ओपन कर सकते हो, एग्जैक्ट सा लुकिंग देखें एंड एक परफेक्ट सी लुकिंग एंड ग्रेड व्यू के संग आपको एक फिंगरप्रिंट का लुक देखने को मिल जाएगा इस वाले थीम में। इस वाले थीम के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना होगा, उसी में आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो एंड MIUI थीम एडिटर से इसको यूज कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन वही बचता है, नहीं तो कस्टम रोम यूज वाले उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। थीम नंबर 3 की लुकिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका डायल पैड व्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एक बात और नोटिस कर लो, क्योंकि इनमें से कुछ थीम आपको थीम स्टोर पे अवेलेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉलीडे चल रहे थे चाइना में, तो वहाँ पे जो कि थीम थे वो MTZ जो सबमिट किए थे डिजाइनर ने, तो वहाँ पे उनको रिव्यू नहीं किया जा रहा था, तो अभी यहाँ पे थीम स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी उनको MTZ फाइल अवेलेबल है, तो यहाँ पे कुछ दिनों में शायद कुछ थीमों के आपको जो कि MTZ फाइल देखने को मिल रही है वो थीम स्टोर पे अवेलेबल हो जाए, जब भी अवेलेबल हो जाएंगे मैं उसको बता दूंगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब तक आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हॉलीडे उनके खत्म हो चुके हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे रिव्यू और वर्किंग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जब तक आप MTZ फाइल से यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको इसका डायल पैड व्यू देखने को मिल जाएगा। ये थीम आपको लाइट मोड डार्क मोड दोनों सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इस तरीके का आपको इसमें होम स्क्रीन व्यू देखने को मिल जाएगा एंड सारे के सारे आइकन आप लोग देख सकते हो किस तरीके के एग्जैक्ट से लुकिंग के संग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड एक्सपेंसिव सा कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है एंड डार्क मोड लाइट मोड दोनों इजीली तरीके से सपोर्ट करता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको सेटिंग या सिस्टम UI बोल सकते हो, इस तरीके का आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको डार्क मोड में शिफ्ट कर लोगे तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से एग्जैक्ट सा लुक, और यहाँ पे एक ऊपर की साइड वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सपेंसिव सा लुक देखने को मिल जाता है। थोड़ा कैमरे की फ्लैश की वजह से मैं इसको लाइट मोड में शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख पाए। तो इस तरीके से एग्जैक्ट सा लुक एंड एक्सपेंसिव सा लुक आपके सामने आएगा, जो कि आप अबाउट फोन या एनीथिंग जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे तो उस तरीके की लुकिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी पूरे के पूरे थीम में एंड इसके लॉक स्क्रीन भी आपको अमेजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप जैसे टैप करोगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पे एनिमेटेड देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे देख सकते हो आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे फेसबुक का मैसेंजर यूज किया होगा तो उसमें इस तरीके का यहाँ पे पॉपअप आता है, जो कि आप अपने मैसेज को यहाँ पे हाइड कर सकते हो और इस तरीके से अपने मैसेज को रीड कर सकते हो। तो इस तरीके का एनिमेटेड सा आपको इसमें यहाँ पे लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा।
जो कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। अगर आपको मैसेज आया या टेक्स्ट मैसेज आया, कोई सा भी चीज़ आई है, तो आप उसको यहाँ पे हाइड कर सकते हो। एंड अगर आपको उसको विजिट करना है तो टैप करके इजीली तरीके से यहाँ पे विजिट कर सकते हो, जो कि एक स्पेशल सा फीचर देखने को मिल जाता है इस वाली थीम के लॉक स्क्रीन में। एंड एक ग्रेट सा व्यू आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सपेंसिस का एंड एकदम ब्यूटीफुल सा लुक देखने को मिल जाएगा इस वाली थीम में। तो इस वाली थीम के लिए भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, उसमें ही आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टू थ्री तीन थीम के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और MIUI थीम एडिटर से एडिट कर सकते हो। तो फिर से आप इनको एडिट कर सकते हो इसी तरीके से, अपने फोन में इसको अप्लाई कर पाओगे कुछ देर के लिए, लेकिन आप इसको यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, इसका एक्सपीरियंस ले पाओगे अपने फोन में। तो मेक श्योर से आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में, जो तक के लिए जय हिंद जय भारत।